एक सवाल आया है कि हाउ डज द थ्योरी ऑफ सुन्नतुल्ला गो अलॉन्ग विद द मेकिंग ऑफ बर्ड्स ऑफ क्ले बाई ईसा अलैहिस्सलाम एंड देन इट्स बिकमिंग अलाइव। असल में जब हम हमेशा लिटरल मीनिंग के अंदर ले लेंगे इन तमाम चीज़ों को, तो फिर रैशनली तो फिर बहुत सी चीज़ें ना समझी जा सकती हैं ना समझाई जा सकती हैं। वो तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई हमें बताया गया, ये हमारा अंधविश्वास है। इस तरह के अंधविश्वास तो दूसरे और बहुत से मजाहिब के अंदर हैं, वो उन्हें मानने के लिए तैयार ना हो, कह के हनुमान जी लंका उठाकर लाए थे। आप कहोगे भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं, धर्म की बात है या आस्था की बात है, और वो लाए थे। तो आप अगर मिट्टी की चिड़ियों के अंदर अगर रूह फूकवाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तो फिर वो उसको मना करने का आपका कोई हक नहीं होगा कि हनुमान लंका उठा लाए थे। असल में तो ये मुर्दे या मिट्टी के परिंदे जो हैं वो उनको ही कहा था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, और हज़रत ईसा की सारी बातें तमसील में होती थी, सारी ज़बान उनकी तमसील ही, उनका अंदाज यही था, स्टाइल यही था कि उनके सामने जो लोग वहाँ पर थे वो बेजान थे सारे। कुरान ने इसे ताबीर किया, इसे मैंने इससे पहले भी एक बात बताई, इस कई मरतबा ये बात बताई, कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा है, उन तमाम लोगों को जो ज़िंदगी की रोशनी में नहीं चलते, जो अल्लाह के नूर की रोशनी में नहीं चलते। कह नबी आओ, ईमान वालो आओ, नबी तुम्हें जिंदा कर दे, उस नबी के पास आओ। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ये सब मुर्दे जितने जो अपने अपने कब्रों में, हमने आमतौर से उसको कोई हर्ज नहीं लेना, ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी मानों में लेना शुरू कर दिया कि ये जो कब्रों में चले गए हैं इनसे कोई मन्नतें मत मांगो। वरना वहां पर ये उसके बाद ही साथ में ये भी कहा गया है कि और जो अगर कोई बहरा पीठ फिर चुका हो तो तुम सुना नहीं सकते, कोई मुर्दा हो गया हो तो ऐसे ही जो अपनी कब्रों के अंदर है तुम उन्हें नहीं सुना सकते। तो ये कुरान ने उनको अंधा भी कहा, कुरान ने उनको बहरा भी कहा, कुरान ने उनको मुर्दा भी कहा। हजरत ईसा जिस काम इस काम के लिए आए थे कि लोगों को बुलाते थे कि मैं आओ मैं अपनी फूंक से तुम्हें जिंदगी दे दूं, और उन्होंने दी। ये सब तमसीली जमाने हैं जो हज़रत ईसा खुद इस्तेमाल करते थे।